मेंडलीफ का वर्गीकरण, मेंडलीफ क्लासिफिकेशन, ठीक, इसके बारे में जानना है। तो तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय रूसी रसायनज्ञ दमित्री इवानोविच मेंडलीफ को जाता है। तत्वों की जो आवर्त सारणी में प्रारंभिक विकास में उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा, प्रमुख योगदान रहा। मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया तब उस समय 63 जो तत्व वो ज्ञात थे। उन्होंने तत्वों के परमाणु भार एवं उनकी जो भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के बीच जो संबंध है उसका अध्ययन किया। रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीफ ने तत्वों के जो ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ जो बने यौगिक है उसको चुना, क्योंकि दोनों तत्व अत्यंत सक्रिय हैं तथा अधिकांश तत्वों के साथ भौतिक जो है वो एक यौगिक बनाते हैं। उन्होंने जो 63 कार्ड लिए एवं प्रत्येक जो कार्ड है उस पर अलग अलग तत्वों के गुणधर्म को लिखा, और समान जो गुणधर्म वाले तत्व हैं उसके समूह बनाने पर उन्होंने पाया कि जो तत्व अपने परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित हो गए थे। उन्होंने अधिकांश जो तत्वों को एक सारणी की तरह व्यवस्थित कर दिया जिसमें समान गुणधर्म वाले तत्व एक दूसरे के नीचे जो नीचे आते गए, ठीक है। उन्होंने जो 63 कार्ड लिए उसमें सब अलग अलग तत्वों का गुणधर्म लिखा और उसको व्यवस्थित किया। तो समान गुणधर्म वाले तो जो तत्व हैं एक दूसरे के नीचे आते थे, तो यह भी उन्होंने देखा कि समान गुणधर्म वाले जो तत्व हैं एक निश्चित अंतराल के बाद फिर से आते हैं। इस आधार पर जो मेंडलीफ ने एक नियम बनाया, उस नियम में उन्होंने कहा कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है। मेंडलीफ के जो आवर्त सारणी है उसमें जो ऊर्ध्व स्तंभ है, जैसे यहाँ से इधर जाएंगे तो उसमें उसको उन्होंने समूह या वर्ग या ग्रुप कहा, और जो ऊपर से जैसे नीचे आएंगे वो 36 को आवर्त कहा। जैसे यहाँ ये इसमें देखेंगे उसके आवर्त सारणी में, ये मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी है इसमें ऊर्ध्व स्तंभ है, ये समूह कहा इन्होंने इधर को, ठीक, और ऊपर से जो नीचे आते हैं ये आवर्त है और ये समूह है। समूह 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा इधर से ये आवर्त है, ठीक है। इसके बाद ये जो मेंडलीफ है एक जो रूसी वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1834 से 1907 है इसके बीच अपना अध्ययन किया। आवर्त सारणी का इनका जो आवर्त सारणी है उसका प्रकाशन 1872 में एक जर्मन पत्रिका में हुआ था, ठीक है। तो फिर देखते हैं मेंडलीफ आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ, ठीक, इसमें देखेंगे अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, इसकी क्या उपलब्धियाँ हैं उसमें देखेंगे। पहला है तत्वों के अध्ययन में सहायक, उस उपलब्धि में तत्वों के अध्ययन में सहायक ये होता क्या है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त में तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन दिखाई देता है, वही एक वर्ग के जो तत्व के जो गुण है उसमें समानता पाई जाती है। अतः किसी वर्ग के जो एक तत्व के सामान्य गुणों की जानकारी होने पर उस वर्ग के अन्य तत्वों के गुणों के बारे में आसानी से जाना जा सकता है। तो इस प्रकार जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है वो तत्वों के अध्ययन में सहायक हुई। इसी प्रकार दूसरा उन्होंने बताया नए तत्वों की खोज में सहायक है उसकी जो उपलब्धि है। तो इसके अंतर्गत ये होता है कि मेंडलीफ ने अपनी जो आवर्त सारणी में कुछ स्थान रिक्त छोड़ दिए थे, तो इन रिक्त स्थानों को दोष के रूप में नहीं देखा गया, क्योंकि मेंडलीफ ने कुछ ऐसे तत्वों का अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय ज्ञात नहीं थे। इनका नामकरण उन्होंने उसी समूह में इससे पहले जो आने वाले तत्वों के नाम है जैसे एका उपसर्ग लगाकर किया। उदाहरण के लिए जैसे बाद में खोजे गए तत्व है स्कैंडियम है, गैलियम है, जर्मेनियम है, इसको क्रमशः उन्होंने एका बोरान, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन ऐसा नाम दिया। उसके बाद उसकी एक और उपलब्धि है संदिग्ध परमाणु भार में सुधार जो हुआ,
तो इसमें क्या है, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसमें जो बेरिलियम है इसके परमाणु भार को संयोजकता के आधार पर ठीक किया गया। इसे त्रि संयोजक ना मानकर द्वि संयोजक माना, और उसका स्थान जैसे लिथियम है ठीक और बोरान है इसके बीच रखा। इसी में जो इंडियम है और यूरेनियम है ये आदि तत्वों के जो परमाणु भारों में भी इसी प्रकार सुधार किया गया। उसके बाद चौथा इन्होंने देखा कि अक्रिय गैसों को स्थान, इसका जो उपलब्धि है अक्रिय गैस को स्थान कैसे मिला। तो इसमें क्या है, मेंडलीव के समय तक जो हीलियम, नियान और आर्गन जैसे ये अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी ठीक है, इसलिए आवर्त सारणी में इसके लिए कोई स्थान नहीं रखा गया था। जब इन गैसों की खोज हुई तो इन तत्वों को अलग अलग समूह बनाकर आवर्त में जो नौवां स्तंभ है तो शून्य समूह के जो रूप में एक वैज्ञानिक है रैमसे इनके द्वारा जोड़ा गया ठीक है। मेंडलीव के जो आवर्त सारणी की सीमाएं क्या है, लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो इसकी जो आवर्त सारणी की जो सीमाएं उसमें हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित। तो हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित में क्या है कि हाइड्रोजन जो है वो क्षार धातुओं के आयन, जैसे क्षार धातु के आयन में सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है ठीक है, इसी की भांति जो एच प्लस आयन है तथा हाइड्रोजन के आयन में क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये भी एच आयन की जो है वो बनाता है, इसलिए अनिश्चित नहीं किया गया या निश्चित नहीं किया जा सका कि उसे किस वर्ग में रखा जाना उचित होगा ठीक है। जो हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित था उस समय, क्योंकि क्षार धातु पोटेशियम और सोडियम, इसी प्रकार क्लोरीन ब्रोमीन जो हैलोजन है उसकी भांति भी आयन बनाता है, तो हाइड्रोजन के स्थान अनिश्चित था इसमें। दूसरा, भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा जाना ठीक है, भारी तत्वों को हल्के तत्वों पहले रखा जाना में क्या है कि संयोजकता के अनुसार रखे जाने पर कुछ स्थान पर भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा गया है जो मेंडलीव के नियम के अनुसार नहीं है, जैसे कोबाल्ट है। इसी प्रकार इसका जो परमाणु भार है 58.9 को निकिल के जो परमाणु भार है निकिल का वो 58.7 इससे पहले रखा गया ठीक है। उसके बाद इसका तीसरा है, समस्थानिकों को अलग अलग स्थान नहीं दिया गया। तो इसमें क्या है, जैसे किसी तत्व के जो समस्थानिकों की रासायनिक गुणधर्म समान किंतु परमाणु भार अलग अलग होते हैं, तो उन्होंने आवर्त में अलग अलग स्थान मिलना चाहिए, परंतु ये मेंडलीव के जो आवर्त सारणी है उसमें समस्थानिकों के लिए कोई स्थान निश्चित नहीं था ठीक है। उसके बाद चौथा, एक तत्व से पहले दूसरे तत्व की ओर बढ़ने पर परमाणु भार नियमित रूप से नहीं बढ़ना। तो इसमें क्या है इसके जो आवर्त सारणी उसमें अनुमान लगाना कठिन हो गया कि दो तत्वों के मध्य कितने तत्व खोजे जा सकते हैं, विशेषकर जब हम भारी तत्वों पर विचार करते हैं तो कठिनाई आती है। तो इस प्रकार इस जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसकी कुछ लिमिटेशन है ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मोसले का आधुनिक आवर्त नियम, मोसले मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ठीक है। आज के लिए इतना ही।